दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक फोन्स के बारे में जो कि फ्यूचर में काफी ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं, और इसमें कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो कि देखने में आपको फोन जैसे कतई ना लगे, लेकिन इसके बावजूद ये आपके लिए एक मोबाइल फोन की तरह काम करते हैं और फ्यूचर में देखने के लिए आपको यकीनन मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर चलने से पहले, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन गैजेट। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो देखते ही देखते अगर आपको कमेंट करने की इच्छा हो रही है तो कमेंट बॉक्स में विनोद बिल्कुल मत लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के सबसे नीचे पायदान पे कौन है। नंबर 7, बैंगल डिजिटल ज्वेलरी। दोस्तों गर्ल्स को ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक होता है, और आपने हमेशा देखा होगा कि उनके अलग अलग ड्रेस के हिसाब से उनकी अलग अलग ज्वेलरी होती है। लेकिन अगर बात करी जाए तो इतनी सारी ज्वेलरी में आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, साथ ही यूनिकनेस जैसी चीज भी वहाँ से गायब हो जाती है। तो अगर आप ऐसी एक ज्वेलरी चाहती है जो कि आपके साथ हमेशा अपग्रेड होते रहे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के गैजेट्स को। इस गैजेट में आपको काफी सारे लाइव ब्रेसलेट वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसका इस्तेमाल आप फिटनेस ट्रैकर के लिए भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए नोटिफिकेशन बैंड की तरह भी काम करेगा, यानी कि आप इसमें अगर कोई भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से देख सकते हो। वही मुझे तो ये गैजेट काफी कमाल का लगा है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, नूबिया अल्फा। दोस्तों बैंड की सीरीज में अगर आप ऐसे बैंड चाहते हो जिससे लोग आपको पलट के जरूर देखें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के स्मार्ट वॉच को। दोस्तों इस तरीके से इसे स्मार्ट वॉच कहना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उससे भी बढ़ के रहती है। यहाँ पे आपको जो फीचर देखने को मिलते हैं वो गजब के रहते हैं। इसकी स्क्रीन की खास बात होती है कि ये फोल्डेबल रहती है, जो कि आपके हाथ के चारों तरफ रहती है। इसका फ्रंट सेक्शन जो कि आपके आंखों के सामने रहता है वो पूरी तरह से टच सेंसिटिव होती है, इससे कि आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें चैटिंग, कॉलिंग और बहुत सारी चीजों को आसान बना है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास बात हो जाती है। तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच के लिए एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। नंबर 5, सैमसंग सेल्फी। दोस्तों कीबोर्ड तो आपने काफी सारे देखे होंगे जो कि साइज में बड़े या छोटे होते हैं, लेकिन अगर ऐसे कीबोर्ड की बात करें जो कि दिखाई ना देता हो, बस आप अपनी उंगलियां हवाई में चलाते रहो और आपका कॉन्टेक्ट टाइप होता जाए, तो आपको ये मजाक वाली बात लगे। लेकिन सैमसंग एक ऐसी चीज लाने वाला है जो कि आपके मोबाइल के फ्रंट कैमरे से काम करे, यानी कि जब भी आपको टाइप करना हो तो हवा में उंगली चलाते रहिए किसी भी सरफेस पे, और आपका कंटेंट भी टाइप होता हुआ चला जाएगा, और आने वाले समय में आपको ये सैमसंग के मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। तो इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए आप मुझे एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस डुओ। दोस्तों कई सारे वर्क में टैबलेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन टैबलेट को कैरी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए एक ऐसा टैबलेट लाने वाला है जिसे कि टैबलेट कहें या मोबाइल, वो बहुत ही बड़ा पॉइंट हो जाता है। लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट आने वाले समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा ड्यूअल स्क्रीन मोबाइल या टैबलेट होता है जो कि फोल्ड हो सकता है। वहीं ड्यूअल स्क्रीन होने की वजह से इसकी रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी स्क्रीन फोल्डेड नहीं होती बल्कि एक छोटा सा कट होता है जिससे स्क्रीन सेपरेट हो जाती है, और आप अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक बेहतरीन चीज होगी। मान लीजिए आप किसी से चैटिंग कर रहे हो और आप साथ ही साथ मूवी का मजा लेना चाहते हो, तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। नंबर 3, Asus ROG Phone 3। दोस्तों अगर आप गेमिंग काफी ज्यादा पसंद करते हो या उसकी लाइव स्ट्रीम करते हो, तो ये फोन आपके लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसकी फीचर इसे खास बनाती है किसी भी दूसरे फोन से। इसे आप एक तरीके के गेमिंग फोन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन इसे बहुत ज्यादा कमाल बनाती है। दोस्तों आपको इस फोन में 16GB रैम तक देखने को मिलने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। दोस्तों आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। और दोस्तों गेमिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये फोन काफी ज्यादा स्मूथ रहेगा। वही कैमरा की बात कर लीजिए तो आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि ट्री लेंस में सपोर्ट करता है, जो कि फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ज्यादा कमाल का रहता है। तो उम्मीद है आपको ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इस फोन के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और बताइए कि आपकी आज तक की बेस्ट गेमिंग फोन कौन सी रही है। नंबर 2, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip।
दोस्तों अगर आपको याद हो तो एक बार सैमसंग गैलेक्सी ने सैमसंग फोल्ड रिलीज किया था, जिसकी अपार सफलता के बाद सैमसंग ने एक और फोल्डिंग फोन रिलीज कर दिया है, जो कि एक नॉर्मल साइज का फोन रहता है। यानी कि जब आप इसे ओपन करते हो तो ये आपको एक नॉर्मल फोन जैसा दिखेगा, लेकिन जब आप इसे फोल्ड करते हो तो ये एक छोटा सा टाइनी फोन बन जाता है, जिसे कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। यही बात इसे खास बनाती है किसी अदर फोन से। वहीं ऊपर की तरफ आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि नोटिफिकेशन डिस्प्ले होती है, जो कि आपकी रियर कैमरा के बगल में दिखती है। वहीं इसकी कलर की बात करिए तो अगर ये आप एक बार फोन हाथ में ले लोगे तो आपको इसको दोबारा रखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि स्मार्टफोन की बदलती दुनिया का एक छोटा सा नमूना रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखी एक से एक बढ़ के कमाल के गैजेट, लेकिन अब चलते हैं हम नंबर वन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सब इससे रिक्वेस्ट है कि अगर हम चैनल पर न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो में दिखाया गया कोई भी गैजेट आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट कर दीजिए कि आपको इनमें से सबसे अच्छा गैजेट कौन सा लगा है। और अगर कुछ समझ ना रहा हो तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है विनोद का, उससे #विनोद कॉमेंट सेक्शन को भर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नंबर वन पे कौन रहता है। नंबर फर्स्ट, गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। दोस्तों सैमसंग की मोबाइल फोन की तो खैर बात ही अलग है, लेकिन अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो जो कि कमाल कर रहा है, ना सिर्फ देखने में बल्कि उसके फीचर से ही बहुत ही कमाल के रहते हैं, तो ये फोन जाना जाता है इसी काम के लिए। दोस्तों ये एक ऐसा फोन होता है जिसमें 100x का जूम दिया रहता है, जो की एक कमाल की बात रहेगी। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो की अपने आप में बेंचमार्क है, जो की आज तक मोबाइल फोन में कभी नहीं हुआ। और दोस्तों इसके कैमरा का यूज करके आप बहुत सारे फोटोज वगैरह खींच सकते हैं, या ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। साथ ही ये 5G को भी सपोर्ट करता है, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखते हुए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम फिर से लौटेंगे गैजेट भरी वीडियो के साथ। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।